यहाँ पर पांडुकेश्वर से बात कर रहे हैं। पांडुकेश्वर यानी उत्तराखंड का एक गांव, एक ऐसा गांव जिसकी विरासत को हमें संजोकर रखना चाहिए और खुद को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हम महाभारत में पढ़ते हैं कि पांडवों का इतिहास और जानते हैं पांडवों की जन्मस्थली और प्रादुर्भाव शायद यही था, तभी इस पूरे गांव का हम आपको ये गांव दिखा सकते हैं। ये जो पूरा गांव है जो उस पहाड़ी पे बसा है, ये पूरा पांडुकेश्वर है। पांडवों के नाम से इसका गांव बना और ये यहाँ पर इनके कुछ प्राचीन शैली में बने हुए इनका घर, इनके पुराने कुछ चिन्ह मिलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं, ये जो बद्री विशाल, जब 6 महीने पट बंद हो जाते हैं सर्दी की वजह से बद्री विशाल में, तो ये बताया जाता है कि 6 महीने यहीं पर पूजा होती है, यहीं पर उनकी सेवा होती है। और वहाँ से कुबेर जी और उद्धव जी जो कि बद्री विशाल के प्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। तो इस मायने में ये स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ आप जो दूसरा मंदिर देख रहे हैं, वो दूसरा मंदिर भी बद्री विशाल के साथ में, वो मंदिर वासुदेव जी का मंदिर है और उसमें भी एक प्राचीन पीतल की प्रतिमा नज़र आती है। इसके साथ साथ कुछ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरातात्विक महत्व की कुछ शैलियों में यहाँ पर कुछ स्तंभ हैं जिनका पुरानी शैलियों में यहाँ पर निर्माण हुआ है, जो अपने आप में देखने के हमारे भारतीय इतिहास की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। और हमें लगता है कि भारत का इतिहास अपने आप में कितना समृद्ध है। कहा जाता है कि एक रात में मंदिर का निर्माण हुआ है और इसकी जो ऊपर शैली है वो ये तिब्बत का एरिया होने के कारण, तिब्बत का हिस्सा होने के कारण, तिब्बत का एक क्षेत्र होने के कारण इसकी जो स्तूप हैं ऊपर के वो बौद्ध स्तूपों से मिलते हैं और बेलनाकार आकृति में बनाया गया है। और आगे इसको एक झोपड़ी नुमा उसमें दिया गया है जो कि तिब्बती क्षेत्र को, शैली को बताता है। तो पांडुकेश्वर से मैं संज्ञा @ बहुआयामी।